हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। हमारे यहाँ कितनी ही पतंगे उड़ रही हैं, देखिए देखिए आप लोग, हमारे यहाँ कितनी ही पतंगे उड़ रही हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी है और हमारे यहाँ सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए आप लोग, देखिए आप लोगों ने कल देखा था ना मेरी वीडियो में, क्योंकि कल धूप नहीं थी और मौसम भी सही नहीं था तो अंधेरा था, इस करके मैं अपना कल किचन दिखा नहीं पाई। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा किचन जो बन रहा है, और थोड़ा सा काम इसमें बाकी है। देखिए आप लोग, जल्दी ही मेरा किचन फाइनल हो जाएगा तो मैं अपने किचन में शिफ्ट हो जाऊंगी, और फिर मैं यहाँ पे मैं खाना जब बनाऊंगी तो मैं यहाँ से खाने की रेसिपी दूध दिया करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, आप भी देखा करेंगे। और जो मुझे आज कहना था वो यह है कि मैं अभी तक ना तो मैंने किसी रेसिपी कुकिंग की रेसिपी मैंने डाली, और ना तो मैंने कोई और चैनल में कुछ काम किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ब्लॉग से ही बात करूं आप लोगों से। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और टाइम 12 बजने वाले हैं और मैंने अभी बच्चों को नहलाया है और कपड़े वगैरह धोए हैं, अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को देखिए। देखिए फ्रेंड, हमने एक डॉगी पाल रखा है, ये छोटा सा था तब हम लोग लेकर आए थे, लेकिन अभी ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो ये थोड़ा काटने के लिए करता है। और ये देखिए, ये धान का पैरा है। ये धान का पैरा हम लोगों ने इसलिए खेत पे से लाए हैं क्योंकि हमारे जो जानवर हैं, हमने गाय भैंस पाल रखी है, तो हमारे गाय भैंस इसको खाते हैं। हम लोग चारे को, जो मशीन होती है चारे वाली, उसमें हम लोग इसे खनते हैं और फिर इसको हम लोग चारे को घास, हमारे जो हमारे घर के बड़े हैं, हमारे सास ससुर, वो लोग लेकर आते हैं घास, और इन दोनों चीज़ों को मिला के जानवरों को डालते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए। जो मैंने मुझे दिखाना था वो ये है, ये मैंने स्टैंड मंगवाया है, ये स्टैंड मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से, और इसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसको मैंने मंगवाया था 300 रुपये में मंगवाया था, क्योंकि मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है, और मैंने देखा कि पहले मैं देख लूँ ये कैसा है, ये मुझे कंफर्टेबल इसमें लगेगा या नहीं। तो ब्रांड अलग अलग ब्रांड में भी था, महंगा भी था सस्ता भी था, पर मैंने अभी इसी को ही परचेस किया है। देखिए आप लोग, ये चाहे तो बड़ा भी हो जाता है, और इसमें मोबाइल लगाने का स्टैंड है, और ये रखने का है, इस तरीके से इसे रखने के लिए है, और इसको अगर बंद करेंगे तो हम इस तरीके से फ़ोटो खींचने के लिए भी बना सकते हैं। तो मैंने ये अमेज़ोन से मंगवाया था, अगर आप लोगों को भी इसकी ज़रूरत हो तो आप लोग अमेज़ोन से मंगवा सकते हैं। और इस मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती थी तो मुझे मोबाइल हाथ में पकड़ना पड़ता था, और अगर मैं खाने की रेसिपी देती थी तो मैं इसे पकड़ के मोबाइल को, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्टैंड में मंगवा लूँ, तो मैंने ये स्टैंड मंगवाया है। तो जो मैं आज लोगों को दिखाना चाहती थी वो ये स्टैंड है जो मैंने आज मंगवाया है, और अब मैं जा रही हूँ, मुझे खाना बनाना है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों का मेरी वीडियो में इतनी देर रुकने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।